वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा देने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई थी। केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है और उसमें कहा है कि वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान की तरह का ही रिस्पेक्ट दिया हुआ है, लिहाजा उसे घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ याचिकाकर्ता हैं अश्विनी उपाध्याय, जानते ही होंगे उनको आप। अश्विनी जी, याचिका में क्या कहा गया था? देखिए, हमने कहा है कि आज़ादी का जो पूरा आंदोलन है वो वंदे मातरम भारत माता की जैसे हुआ था। जनगण मन की उसमें कोई भूमिका नहीं है। जनगण मन शासक की वंदना है, वंदे मातरम राष्ट्र वंदना है। और इसीलिए 1896 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद वंदे मातरम गाया था। जो दूसरा अधिवेशन हुआ 1901 में कांग्रेस का, उसमें दक्षिणाचरण सेन जी ने वंदे मातरम गाया। तीसरा अधिवेशन हुआ 1905 में कांग्रेस का, सरला देवी जी ने उसमें वंदे मातरम गाया। 1905 में हीरालाल सेन जी ने वंदे मातरम मूवी बनाया। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम के नाम से जनरल शुरू किया। 1907 में भीकाजी कामा ने जो भारत का झंडा डिज़ाइन किया था, जो पहला भारत का झंडा डिज़ाइन हुआ था, वो सैफ्रॉन कलर का था, भगवा कलर का झंडा था और उसमें बीच में वंदे मातरम लिखा था। इसी तरीके से रामप्रसाद बिस्मिल ने, मैं समझ गया, एक मिनट बात तो पूरी होने दीजिए। इसी रामप्रसाद बिस्मिल ने, समझ गया सर, अब आगे थोड़ा सा एक बात और बताइए कि तो आपको मतलब ये इसको राष्ट्रगान घोषित ही नहीं करने की मांग है, मतलब जो मौजूदा राष्ट्रगान है जनगण मन, शिकायत आपको उससे भी है? नहीं नहीं, हमें उससे, हम कह रहे हैं अगर वो चल रहा है तो चलता रहे। दुनिया के कई देशों में चार चार राष्ट्रगान है। अच्छा। तो भारत में अगर दो राष्ट्रगान हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत इतना बड़ा, छोटे छोटे, भारत से बहुत छोटे देश हैं, वहाँ चार राष्ट्रगान है। इसलिए भारत में अगर दो राष्ट्रगान होता तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से वंदे मातरम के लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, जनगण मन के लिए एक प्रोटोकॉल बना है कि जनगण मन 52 सेकंड में गाया जाएगा, जनगण मन की म्यूजिक ये होगी, जब जनगण मन गाया जाएगा तो लोग खड़े हो जाएंगे, जो नहीं खड़ा होगा उसको सजा भी होगी, जनगण मन स्कूलों में गाया जाएगा, जनगण मन पार्लियामेंट में गाया जाएगा, वो सारा प्रोटोकॉल वंदे मातरम के लिए भी होना चाहिए। वंदे मातरम सभी स्कूलों में अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन सरकार तो यही कह रही है ना कि उतना ही रिस्पेक्ट इसको भी है। नहीं नहीं, रिस्पेक्ट है लेकिन गाइडलाइन नहीं है। रिस्पेक्ट है लेकिन इंसल्ट करने पे कोई सजा नहीं है। और बताइए, इंसल्ट करने जैसे ही किसी मामले में गाइडलाइन बन जाती है, दिशा निर्देश हो जाता है, कुछ डिसिप्लिनरी प्रावधान हो जाते हैं, वैसे ही उसको यूज करने पर पाबंदियां हो जाती हैं। मसलन जो जनगण मन गाने वाले हैं वो किसी खास मौके पर ही गाएंगे, वो खड़ा होकर ही गाएंगे, और ये जो है वंदे मातरम वो हम कभी भी गा लेते हैं, खुश होकर गाते हैं, अलग अलग म्यूजिक गाते हैं, तो उसको आप क्यों चाहते हैं कि आप उसको सीमित तौर पे बांधें? क्योंकि उसको अलग तरीके से फिल्म सीरियल में बहुत बुरी तरीके से गाया जा रहा है, उस पर गलत तरीके से डांस किया जा रहा है। वंदे मातरम की म्यूजिक बना के फिल्मों में अलग तरीके से कर रहे हैं, सीरियल्स पर अलग तरीके से कर रहे हैं, स्टेज शो पर अलग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ अलग तरीके से कर रही हैं, तो उसका मिसयूज हो रहा है। ये इतना पवित्र है, ये राष्ट्र वंदना है, ये राष्ट्र की आराधना है, तो राष्ट्र वंदना राष्ट्र आराधना का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जनगण मन पे आप अगर, तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा है कि हाँ ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि जब इसको आप सीधे सीधे राष्ट्रगान घोषित कर दीजिए, नेशनल एंथम घोषित कर दीजिए, तो अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। जो नेशनल एंथम वाला कानून है इसके ऊपर भी लागू हो जाएगा, वो सारे प्रोटोकॉल इस पर भी। एक और सवाल पूछूं, वंदे मातरम हो जाने से देश के युवाओं पर, देश के युवाओं के रोजगार पर कुछ असर पड़ेगा क्या? नहीं, रोजगार का वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं, उससे जनगण मन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, जनगण मन बनाने से क्या रोजगार बढ़ रहा है? क्या जनगण मन अगर के लिए कानून बना हुआ तो क्या रोजगार बढ़ रहा है? ये तो तब बना था ना, तो स्वाभाविक सी बात है, जो चीज असली है वो तो होना चाहिए ना। 24 जनवरी तो आप यही बात कह रहे हैं कि ये असली नहीं है, जो जनगण मन है वो असली नहीं है। कहना है कि पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था, इसलिए वंदे मातरम को पहले सम्मान मिलना चाहिए, उसके बाद अगर जनगण मन को भी मिल रहा है तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वंदे मातरम को सम्मान मिलना चाहिए। हमारे आप ही ने कहा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जनगण मन गाते हुए फांसी के फंदे पे नहीं गए थे, भारत वंदे मातरम भारत माता की जय कहते हुए गए थे। जब हमारे आजादी, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको लाठियां पड़ती थी तो जनगण मन नहीं गाते थे, उनको लाठियां पड़ती थी तो वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते थे। अच्छा, मान लीजिए कि अगर ऐसा हो भी जाता है, अगर ऐसा हो भी जाता है तो हमारे देश के स्कूल जाने वाले युवा वर्ग के लोगों, जो युवा हैं, उनके जीवन में, जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। वंदे मातरम जब रेगुलर रूप से गाएंगे तो उनके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम जागेगा, राष्ट्र के प्रति अपनी ड्यूटी, उनको कर्तव्य भाव का बोध होगा। अगर आप वंदे मातरम को पूरा देखें तो एक तरीके से हम उसमें अपने देश की जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। तो सरकार अगर ऐसा घोषित नहीं करती है तो सरकार रोकती भी तो नहीं है किसी को? नहीं, लेकिन सरकार कर सकता है, सरकार को घोषित करना सरकार की ड्यूटी है, और सरकार अगर नहीं करती है तो कोर्ट करेगी, कुछ न कुछ तो होगा, रास्ता इसका निकलेगा। अश्विनी उपाध्याय जी, क्यों मानिए
सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले वंदे मातरम गाइए, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाइए। उपाध्याय जी यही बात है ना, ऐसे ही माहौल है। बस इतना ही, उमेश वीडियो बना रहे हैं, उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।